तो दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल मोनोपोली बिजनेस के बारे में। काफी क्वालिटी स्टॉक है और इसकी इंटरेस्टिंग फैक्टर बताएंगे, स्टॉक की देखिएगा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताएंगे ताकि आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक के बारे में। और ना नो डाउट ये स्टॉक स्लो मूविंग है, अभी मूवमेंट नहीं हो रहा, या फिर आप कहेंगे रेलवे के किसी भी स्टॉक में इतना मूवमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, बशर्ते आप IRCTC की बात ना कर रहे हो। तो ऐसा क्या है, क्या मूड और माहौल है, मार्केट में किस तरीके का मूड और माहौल है, सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको पता नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करिए, विजिट करिए, जहां पर इंडेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कई सारे लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके, चार्ट्स पे इंक्लूड करके आप अच्छे बेनिफिशियल ट्रेड्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो IRFC ने 23 का लेवल देखिएगा अभी तक नहीं तोड़ा था, आज आपको थोड़ी बहुत गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बट अगर आप सिनेरियो पहला देखेंगे तो पिछले कुछ 20 दिनों से मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में बहुत बढ़िया सेलिंग आई है, बहुत बढ़िया, बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट स्टिल इस स्टॉक में आपको 1 रुपये की गिरावट भी पूरी नहीं हुई है, अभी 1 रुपीज़ की गिरावट भी पूरी नहीं हुई है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये स्टॉक उनके लिए है जो ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। लाइक आप जब ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो वोलाटाइल बहुत होते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर गए, बहुत तेज़ी से नीचे आए, वोलाटाइलिटी बहुत है, पैनिक बहुत है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो जो स्टॉक देखिएगा जिस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं, लाइक देखिएगा धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे होकर नीचे भी गिरेगा। इसमें ऐसा नहीं हो जाएगा आपको 3 रुपये 5 रुपये एकदम से गिरने लगा ये स्टॉक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड चीज़, स्टॉक की क्वालिटी इस चीज़ से डिपेंड करती है कि जिस तरीके से ये रिटर्न बना के दे रहे हैं कॉन्टिन्यू, ना कोविड का इम्पैक्ट है, ना कोई अदर इम्पैक्ट है, लगातार कंपनी अपने देखिएगा US मार्केट में या फिर फॉरेन मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिस्टिंग करा रही है। तो ये सब चीज़ें स्टॉक की खूबी हैं। जिन लोगों के पास पड़ा है तो मैं बोलता रहता हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो को भूल जाइए, इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म ले जाइए, स्टॉक को लॉन्ग टर्म ले जाइए, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है रिटर्न अच्छे बना के दिए हैं, एंट्री पॉइंट देखिएगा SIP के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर किसी भी तरीके का रेड फ्लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलता है अच्छा डिविडेंड यील्ड, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप पसंद करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड के रूप में यहाँ पे अच्छा यील्ड आपको देखने मिलता है जो कि 4.14% है, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और स्टॉक ऐसा आपने बाय नहीं करा है कि आपने ओवर वैल्यूड स्टॉक बाय कर लिया, बल्कि इवन इनका बिजनेस ज़्यादा क्वालिटी है लेकिन वैल्यूएशन वैसे नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर नहीं बिज़नेस उतना क्वालिटी नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना क्वालिटी बिजनेस है। आप ये देखिएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ सारी कंपनियों को पेन है, सारी कंपनियों को पेन है, वहाँ पर ये स्टॉक देखिएगा किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, किस लेवल के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस लेवल के प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ये कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर रियल में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे रियल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आगे चल के इनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी आना चाहते हैं, जैसे ही वैल्यू अनलॉक होगी तब स्टॉक में मोमेंटम आएगा, कहीं पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मन आए, जहाँ पे भी आपको इनफ लगे रिटर्न। बट अभी रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा देखिएगा कंसोलिडेशन बना हुआ है या फिर प्रॉफिट बुकिंग बनी हुई है। आगे चल के जब भी देखिएगा जब स्टॉक में मोमेंटम आना शुरू होगा तो एक कॉन्टिन्यू मोमेंटम देखने को मिलेगा और तब आपको रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा जब भी आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक रहता है तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या ये स्टॉक पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो नो डाउट इस स्टॉक में आपको भरोसा होगा, क्योंकि अपने पर्टिकुलर फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना रेलवे इन्हीं का काम है और लगातार कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे लगातार कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए 68% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, नेट प्रॉफिट बढ़िया आए थे आपको पता है, बाकी देखिएगा जून के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे आए थे। तो ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं, कंपनी लगातार परफॉर्मेंस दे रही है, वो केवल ऐसे नहीं बात ही कर रही है स्टॉक में कुछ देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट में कुछ और देखने को मिल रहा है और चीज़ों में कुछ और देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर परफॉर्मिंग एज यूजल, वो मार्केट की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपनी तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसका आउटपुट आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट इंप्रूव्ड हुई है, बैलेंस शीट एक्सपेंड भी होगी आगे चल के,
ये सारी चीज़ें स्टॉक के लिए अच्छी हैं। ये सारी स्टडी आप टिकर टे वेबसाइट पे कर सकते हैं। अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से तो कोड यूज़ करके तो आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक बढ़िया खबर है। इसके अलावा देखिएगा कितनी बढ़िया देखिएगा बैक टू बैक यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास का देखिए प्रॉफिट हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट भी देखने मिला था और काफ़ी बढ़िया स्टॉक देखिएगा क्या रहता है न्यूज़ में भी रहता है। अब अगर आप बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा है और बाकी रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा है, बाकी गवर्नमेंट के पास है। तो टाइम टू टाइम आने वाले टाइम में देखिएगा गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती रहेगी, डिस इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, अपने स्टेक को कम करती रहेगी और उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट नो डाउट एवरी सिंगल फॉल यानी कि जहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर सिंगल फॉल है वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो स्टॉक में इतना पेशेंस रख सकते हैं कि स्टॉक उनको रिटर्न बना के दे। वरना मैक्सिमम लोगों को देखिएगा यहाँ पे पेशेंस नहीं रहता है, स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है तो वो क्या करते हैं स्टॉक में एग्जिट कर लेते हैं। तो पेशेंस नहीं है तब तक स्टॉक में एंट्री मत लीजिएगा, एंट्री ले ली है तो वेट करिए जहाँ पे प्रॉफिट मिले वहाँ पे एग्जिट कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट में, अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट में स्टॉक में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। क्यों? चूंकि थोड़ा सा बेटरमेंट देखने मिलेगा, एक माहौल बनेगा मार्केट में कि यहाँ पर इस बार कंपनियों के रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। इस बार बेटर आने के चांसेस क्यों हैं? चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोविड का चैलेंज नहीं होगा, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई लॉकडाउन देखने को आपको मिला नहीं है, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको थोड़ी रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको रेलवे के कई सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ IRFC में भी देखिएगा लगातार यहाँ पे एक्युमुलेशन चल रहा है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, चूंकि स्टॉक देखिएगा वॉल्यूम्स कम होते चले जा रहे हैं। जब तक मार्केट में ट्रेंड नहीं आएगा स्टॉक की, लिक्विडिटी को बूस्टअप नहीं किया जाएगा, तब तक आपको पता है कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं बैक टू बैक यहाँ पर गिरावट है, बैक टू बैक यहाँ पर गिरावट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम कम रहेंगे तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक इतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं रहेगा, तो रोज मोमेंटम नहीं देखने मिलेंगे। तो बहुत स्लो मोमेंटम है अपसाइड भी, बहुत स्लो मोमेंटम है डाउन साइड भी। कब तेज मोमेंटम आएंगे? जब स्टॉक में वॉल्यूम्स आएंगे। तो वॉल्यूम से एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ है। और नीचे की तरफ देखिएगा 22.70 रुपये का एक बढ़िया बेस है। अगर आप देखेंगे इसके नीचे 22.50 ये छोटे छोटे लेवल हैं जो स्टॉक को देखेगा बेस सपोर्ट देते हैं। रिबाउंड करेगा तो जब तक स्टॉक देखेगा 23.50 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको 24.25 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। 23.50 दे, क्लोजिंग दे और वहां पर आपको मूवमेंट भी देखने को मिले तभी आपको यहां पे पॉसिबिलिटी है, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। और IRFC में देखिएगा सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी बैलेंस शीट है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी बेटर आने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।